ज्योतिषशास्त्र अनुसार स्वप्नर निजर अलग महत्व रही था एवं स्वप्न सहित आमर भविष्य मध्य जोड़ी हो रही था। निदरे देखि घटना व स्वप्न संकेत दे था कि आसपा जाऊवा दिन मानक आपण कौन कौन होमती तो आजिकल अधिकांश लोक स्वप्नर भविष्य सहित किसी संपर्क मानती ना कि पुराणा समय स्वप्नर बहुत महत्व दि जाऊला। आज मध्य किछि लोक जो माने ज्योतिष विश्वास करती से माने स्वप्न को गंभीरतार सह नहीं था। साधारणत तो पुओ मानकु झियो मानकर किंबा महिला मानकर स्वप्न अधिक देखा दे थाए। स्वप्न ज्योतिष अनुसार स्वप्न रे महिला मानकु देखिवार मध्य अलग अलग फल कहा जाय छि। महिला को स्वप्न देखिबा वाला व्यक्ति सहित भल हेबो ना खराब एहा एही कथा उपरे निर्भर करि थाए कि स्वप्न रे महिला को केउ अवस्था रे देखि छथि। तो आसंतु जानिबा स्वप्न रे महिला को देखिबा एवं तार फल विषय रे। जदि कौन व्यक्ति स्वप्न में कौन महिला को बड़ बड़ कानफुल पिंधि थवर देखती तो यार अर्थ यह कि जल्दी ही खुशी खबर मिलबार अच्छी। यह छड़ा अढ़ी पिंधि महिला को देखार अर्थ हसखुशी वैवाहिक जीवन। जदि कौन पुरुष निजक कौन महिला सह संभोग करुवर देखती तो आगामी भविष्य में से बहुत ही धनवान होगा जाऊँच। स्वप्न में आसी महिला जदि चेस किपरी अगर कौन एक खेल खेल देखती तो यार अर्थ यह कि सही व्यक्ति उपरे धनर वर्षा होगा जापरी व्यक्ति सब डिसीजन ठीक होता है। एपरी व्यक्ति जल्दी ही सफलता प्राप्त करें। झील को कन्या बेस देखा शुभ होता है। जदि आपण को एपरी स्वप्न देखा दिए तो यार अर्थ होपण को बुद्धिमती स्त्री मिलवाक जाऊँगी। कौन व्यक्ति को परी मानकर दर्शन मिले तो तांकु अतुल्य धनर प्राप्ति हुए। जदि कौन पुरुष निज स्वप्न में गोल्डन केश थिबा झियों को देखती तो तांकर विवाह कौन धनी परिवारर युवती सह होइथाय। जदि कौन व्यक्ति देखती कि तांको प्रेमिकार केश लाल रंगर तो आसीबा को जाउथिबा समय रे सही युवती जहाँ को से भल पाऊपर दूराचरण अभियोग लगे जदि कही स्वप्न में लाल रंगर शाढ़ी पिंधि स्त्री सह आलिंगन कै कि शुखिला फूलर हार दे थाए तो तार मृत्यु शीघ्र होता है। जदि कौन अविवाहित तो युवती चेयर में बिले शोर देखती तो तांकर विवाह कौन धनी व्यक्ति सह होता है। जदि विवाहित स्त्री एही स्वप्न देखती तो तेबे तांको जीवन रे बहुत असुविधा आसी थाए। तो फ्रेंड्स वीडियो टी जदि आपण मानको भल लगे तेबे लाइक करंतु ओ अन्य मानको सह शेयर करंतु। ता सहित आम खुशी जीवन चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नहीं।